गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट एट फर्स्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. टुडे इज, एज यू नो, टुडे इज़ योर एग्ज़ाम, मैथ्स एग्ज़ाम क्लास फोर्थ. टुडे इज 7 एंड सैटरडे. योर एग्ज़ाम टाइम विल बी एट 9 AM टू 11 AM. टाइमिंग इज 2 hours. एंड यू ऑल्सो नो नोटबुक चेकिंग मार्क्स इज 10 marks, एग्ज़ाम इज 30 marks, एंड टोटल मार्क्स इज 40. ओके, एट फर्स्ट यू विल सी दैट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टोटल 10 questions. सो एट फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. हाउ इज इट पॉसिबल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? दैट इज पॉसिबल बिकॉज इफ वी एड बोथ द नंबर्स देन रिजल्टेंट ऑब्टेन. ओके, जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा. देन टिक दीज ऑप्शन एंड देयर विल बी योर आंसर. ओके, द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइन दिस माइनस दिस. आपको इस नंबर में से 3,04,851 में से आपको 10,000 को माइनस करना है और रिजल्टेंट आपके पास इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा. इसी टाइप से आपको आगे के क्वेश्चन, सारे 10 के 10 questions है, उन्हें सॉल्व करना है और जो रिजल्टेंट है वो यहीं पे ऑप्शन में होगा. आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन एग्जैक्टली राइट करना है. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. आपको इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को और आपको आंसर राइट करना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर राइट करना है. ये भी 1 mark का, ये भी 1 mark का. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंसेस. आपको 8 lakh में से 35,000 को माइनस करना और डिफरेंस बताना है. 6,000 में से आपको 40 10 माइनस करने हैं, 40 10s माइनस करने और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बताना है इन दोनों का. ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि इसमें से क्या माइनस करिए कि 3 आ जाए. इस टाइप से ही आपको सारी लाइन फिल करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द डिफरेंसेस. आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या डिफरेंस आ जाएगा. सेम इसमें भी आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या डिफरेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड. हम इन तीनों नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सिमिलर ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें इनको कॉलम में अरेंज करेंगे और ऐड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच नंबर इज, कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है. देखिए सॉरी, विच नंबर इज, आपको यहाँ पे बताना है 6,000 मोर देन दिस. अगर इसमें हम 6,000 ज़्यादा कर दें तो क्या आ जाएगा, 9,999 मोर देन 9,999. ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिए हुए, टोटल 5. आपको इनके आंसर्स राइट करने हैं. ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, दैट इज इन एन इलेक्शन वन कैंडिडेट गॉट 54,295 वोट्स एंड द अदर कैंडिडेट गॉट 38,489 वोट्स इफ 374 वोट वर नॉट वैलिड. देखिए आपका इलेक्शन हुआ, यहाँ पे वन कैंडिडेट जो कि जिसको कितने वोट मिले, इतने 54,295, सेकंड कैंडिडेट को 38,489 वोट मिले. अगर इसमें हम कहें कि 374 वोट ऐसे थे जो कि वैलिड नहीं थे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड करने की जो कि पोल्ड हुए थे, जो कि डाले गए थे. सेकंड क्वेश्चन वी हैव, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 86,954, हाउ मच लेस देन 1 lakh. तो आपको बताना है ये 1 lakh से कितना लेस देन है. क्वेश्चन नंबर 3, अ पैकेट कंटेन 432 बैलून्स, हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन 1,285 सच पैकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 175 बाइसिकल्स. इफ वन बाइसिकल कॉस्ट इज रुपीज दिस, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 175 बाइसिकल्स. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज द एनुअल सेल कंपनी ABC इज रुपीज 9,28,485. एनुअल सेल कंपनी XYZ इज रुपीज 8,69,475, हुज सेल इज एक्सीड एंड बाय हाउ मच. आपको बताना है दोनों में से किसकी सेल ज़्यादा एक्सीड हुई है और कितनी. ठीक है, तो आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे.